मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ राहत कैंप का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों को किया सामग्री वितरित। नमस्कार, एफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। मुख्यमंत्री ब्रिजमनगंज शाहबाद स्थित जीएस नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज में निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। सबसे पहले 10 महिला लाभार्थियों में मानसी पत्नी गोरख, मानती पत्नी बनारसी, हाताबेला हरैया, इसरावती उर्मिला, राजमती शाहबाद, सुशीला मनसफगढ़, बरसाती बिलासपुर, ज्ञानमती बिलासपुर, टोला पृथ्वीपुर, आरती व सुनीता बिलासपुर को पैकेट वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त लगभग 500 अन्य लाभार्थियों को भी राहत पैकेट का वितरण किया गया। इसके बाद बाढ़ पीड़ितों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ से लगभग 1.5 दर्जन जनपद प्रभावित हैं, जिसमें महाराजगंज भी है। मैंने स्वयं फरेंदा और सदर का हवाई सर्वेक्षण कर क्षति का अवलोकन किया है। शासन प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर राहत कार्यों में लगे हुए हैं, जिसमें माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी समेत जनपद के सभी जनप्रतिनिधि प्रशासन का मार्गदर्शन और सहयोग कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि सभी बाढ़ पीड़ितों को राहत मिले और इसी मंशा के अनुरूप जनपद में बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिए शासन द्वारा जनपद में 30 परियोजनाओं को शुरू भी किया गया। इन परियोजनाओं में 9 पूर्ण हो चुकी है, जबकि शेष पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए शासन द्वारा प्रशासन को पर्याप्त धनराशि और संसाधन मुहैया करवाए गए हैं। जनपद में NDRF व SDRF की टीमें भी लगाई गई हैं, जो बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकाल रही हैं और पीड़ित परिवारों तक जरूरी सहायता भी पहुंचा रही हैं। हमने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि बाढ़ पीड़ितों तक जरूरी वस्तुओं से युक्त राहत पैकेट का वितरण किया जाए, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो दाल, लाई चना, रिफाइंड मसाला समेत रोजमर्रा की जरूरी चीजें मौजूद हों। उन्होंने कहा कि मैंने यह भी निर्देश दिया है कि ग्राम स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर राहत सामग्री का वितरण किया जाए। UFT न्यूज 24 के लिए महाराजगंज से आकाश अग्रहरी की रिपोर्ट।